हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कैडेंस शोरूम आया हूँ बेंगलोर में। ये आपका कैडेंस शोरूम है, बाहर से अच्छा दिखता है। यूकी ललिश वायलिन, हाय, हेलो, क्या क्लीन कर रहे हो? हाँ, क्लीन कर रहे हैं। रिस्ट्रिंग? ना, जस्ट क्लीन सेट है ना ये। ओपन माइक कब होता है? ओपन माइक टुमारो। व्हाट टाइम? 6 to 9। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पर गिटार के डेंस का आई थिंक बेसिक गिटार है सबकी ना। आप देख सकते हैं गिटार, बेस गिटार, LTD, केडेंस, गिग का सेट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गिटार, स्क्वायर स्टार बस्टर, एपिफोन। स्ट्रिंग का सेट, सेटिंग अच्छा है। टाइम पास कहाँ से आप? सॉरी, मणिपुर से है। अच्छा है कैडेंस का सेट ना। इसका अभी बेसिक गिटार स्टार्टिंग प्राइस कितना है? 6000। ओके, स्लो एंड का? ओके, स्लो इन इज गुड गिटार ना। कैजुन सेट है इधर, कैजुन का वो पैनो, ये सब यार कैडेंस का आ गया है अभी तो। कैडेंस साउंड अच्छा है इसके भी। मुझे उतना नहीं आता प्ले करना। नहीं सर, अगर आप लोग बेंगलोर में है तो कैडेंस पर आके बेसिक गिटार ले सकते हैं, पर बहुत ही कम रेट में। और कैडेंस का गिटार जो है बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। ये यूकेलिली से सर, कैडेंस का, इट्स ब्यूटीफुल। ये अच्छा है डिजाइन, दिस म्यूजिक, ड्रम, सेट, बंगो, इसे कहते हैं बंगो, बंगो भी कैडेंस। सब आप कैडेंस में जब आएंगे सब कैडेंस का ही दिखेगा ज्यादातर। यूकेलेली से लेके जितना भी इंस्ट्रूमेंट है छोटे छोटे, बंगो और कलिम्बा, इसे कहते हैं कलिम्बा। अगर आपने देखा नहीं है तो ये इसे प्ले करते हैं। कलिम्बा, ये मैंडोलिन, मैंडोलिन भी आप देख सकते हैं सब कैडेंस का ही है। फ्लूट है, कैडेंस का ही है शायद। सैक्सोफोन कैडेंस, माउथ अगेन, स्ट्रिंग का सेट है यहाँ पर।
EC256 LTD दिया ये, इसका प्राइस अभी क्या हुआ है? 36. प्ले कर सकता हूँ 36 प्ले कर सकता हूँ जो फिंगर है बहुत लॉक हो गया है, प्रैक्टिस करना चाहिए. फ्रेडबोर्ड बहुत अच्छा है इसका. आपने सेट किया है? नहीं नहीं, इससे न्यू गिटार है. जस्ट क्लीन किया राइट. इसी 256 20 पोर्ट्रेट ना 22 ये गिटार अच्छा रहता है. और आईवीएन इसमें FMZ भी अच्छा रहता है ना वो? हाँ वो भी अच्छा है. आई थिंक प्राइस सेम रहेगा, अराउंड सिमिलर है. सिमिलर ना वो फ्लूइड रोज है राइट? या FM सीरीज. हाँ रिस प्राइस में ये गिटार बहुत अच्छा है. डीप वीक पे वगैरह सब में काम चलता है, प्रैक्टिस भी हार्ड रहेगा. थैंक यू ब्रदर. मैं स्ट्रिंग लेने आया था, स्ट्रिंग टूट गया. तो आप कहाँ से? मणिपुर से. मणिपुर से ओके. मैं दार्जिलिंग से. सैडी आपका नाम? रे. ग्रे रे. आर यू रे? ओके नाइस. एक्वास्टिक गिटार का प्लेक्ट्रम तो मैं फ्लेक्सिबल लूँगा, मेरे पास है प्लेक्ट्रम बहुत, लेकिन तो पतला चाहिए क्या? सब कैडेंस का है ना यहाँ? हाँ असम से है आप? तो आपको लैंग्वेज मालूम है नेपाली? हाँ पता है हमारा दार्जिलिंग का लैंग्वेज. ओ नेपाली हो? बहुत आप दार्जिलिंग का नहीं? दार्जिलिंग मो सोना था. सोना था? सोना था. अरे तपाईँको नाम? हो कति भयो यहाँ आउनु भएको अन्त? अझै योभन्दा पतला छैन, एकदमै पतला क्या. के भन्छ एउटा भेटाइ यो पतला जो रहेगा ना एकोस्टिक गिटार स्ट्रम गर्ने हुन्छ तँ हार्ड हम लोग जब प्ले करेंगे तो स्ट्रिङ टुट जाएगा और उसका साउन्ड भी उतना नहीं अच्छा नहीं आएगा ना. तो एकोस्टिक गिटार के लिए इस जब स्ट्रमिंग करेंगे तो पतला लेना चाहिए, बहुत ही थिन. ओ योर इंट मेटल मेटल सुनते हो? दोस्त लोग ब्रेकिंग कर रहे हो सुन रहे हो? देखा ये तो हम भी देखें. अरे ये तो मणिपुर का पोंटू जैसा दिख रहा है. नागालैंड का है? नागालैंड का है. बिना भी बोल बिना कोई
ऑन टू नागालैंड के एक ग्रुप्स भी है मेरा दोस्त, एस आई टी का है। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक ही काफ़ी, इतना ही लेता हूँ बस। ओके, ब्यूटीफुल सेटिंग, सेटिंग बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बैंगलोर पर है तो एक बार यहाँ पर आ सकते हैं, गिटार चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एकोस्टिक कोई भी। एकेडेंस का जो गिटार है बहुत ही सस्ता मिलता है आपको, और जो है वो आप गीत में भी प्ले कर सकते हैं। फ्रेडबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं, बट आप सेटिंग कर सकते हैं फ्रेडबोर्ड। ठीक है, एकोस्टिक विद इक्वलाइजर। ये स्लोहेन का गिटार है, स्लोहेन का गिटार अच्छा रहता है। ट्रैवल गिटार सेम कैसा ना, इनके इसका डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट कंपनी आएगा उसका, नहीं आता डिफरेंट कंपनी चलेगा, लेकिन गेज सेम रहना चाहिए। ये कौन सा है, फर्स्ट? ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। ओके, थैंक यू। क्योंकि ज़्यादातर ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो टूट जाता है, जो लो स्ट्रिंग रहता है वो ठीक है। ओके ब्रदर, थ्री, ये रहा और ये रहा। इनॉग्रेशन के टाइम में यहाँ पर क्या इनॉग्रेशन के टाइम में यहाँ पर ग्रीस ऑन द क्रॉनिकल आया था, GATC, आपको लोग का मालूम है? आप सैडी लिख दीजिए, SADY। फोन नंबर 7430 964 964 नंबर 1 मिनट, हाँ यस 964 164 162। थैंक यू, मैं भूल जाता हूँ कभी। हाँ, होता है कभी, क्या होता है मेरा बिग, एक बार मैंने मुंह में ले लिया क्या, मैं ढूंढ रहा हूँ, पॉकेट में ढूंढ रहा हूँ, बेट में ढूंढ रहा हूँ, मुंह में ले लिया, जब मैं मुंह धोने गया तो इधर ही था। ऐसा होता है जब हम लोग प्ले करते हैं ना। नहीं ब्रदर, इतना ही, आप लोग देख सकते हैं स्टेज से। हाँ, वही यहाँ पर GATC आया था एक बार जब ओपन किए थे कैडेंस का शोरूम, तब मैं यही था। इसका जो मालिक है उसने शादी किया है, नेपाल का लड़की है ना। इसका मालिक का नाम क्या है, विनोद? सिद्धार्थ। हाँ हाँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ओनर। हाँ, जो ओनर है तो कैडेंस का ओनर है सिद्धार्थ, उसका वाइफ है नेपाल से, और इसका ब्रांच बहुत हो चुका है अभी तो। अभी तो गोवा में है, गोवा में, दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद, नेपाल हो गया, नेपाल में भी हो गया। ग्रेट। बेंगलोर में अभी मतलब 3 स्टोर, पहले एक ही था, एक ऑफिस था वहाँ पर, अभी फिर 2-4 हो गया। तो नेपाल में, नेपाल से जो भी देख रहे तो नेपाल में भी आपको कैडेंस का शोरूम मिलेगा, वहाँ पर भी एक ब्रांच खुला हुआ है। कैडेंस का ब्रांच इतना जल्दी बढ़ गया ना। डन ब्रदर, कैडेंस का ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, प्राइस है 60 रुपीज, आप देख सकते हैं। नहीं, क्योंकि डीआरडीओ का जो है ना फर्स्ट स्ट्रिंग वो 50 रुपीज में मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड अभी अभी बढ़ गया होगा, राइट? 35 95 95, वो उसका रेट होगा। ये एक मैंने लिया ब्रदर, तो अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू, मिलते, ठीक है, बाय ब्रदर। ओके ब्रदर, बाय, मिलते। मेरा सैडी, सैडी लार, आप चेक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे SADY, आप कैपिटल लेटर आई कर लीजिए, आई AR AI, नहीं नहीं, जो कैपिटल लेटर है ना सैडी के बाद आई कर लीजिए, आई AR।
तो यहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है आप सर्च कर दे आ जाएगा। ये मेरा चैनल है ये। ओके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं ज़्यादातर हिंदी और नेपाली गाना जो है ना उसका लेसन देता हूँ। स्टॉप किया था 2016 में किया था, तो मैंने फिर जुलाई से स्टार्ट किया, अभी कर रहा हूँ। ओके तो मेरा स्ट्रिंग टूट गया था तो लेने के लिए इधर आया। ओके थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं।